दुआओं के लिए कहा करें। और वालदेन अल्लाह की वो नेमत है जिनसे आप ना भी कहें फिर भी आपको अजर मिलता रहेगा। वालदेन वो नेमत हैं कि जिस उम्र में भी पहुँच जाएँ मुस्कुराकर सिर्फ देख ही लोगे तो मकबूल हज उम्र का सवाब अल्लाह ताला फरमाएंगे। और वालदेन वो नेमत हैं कि वालदा के बारे में फरमाया कि वालदा के कदमों तले जन्नत है और बाप के बारे में फरमाया कि जन्नत का दरमियान का दरवाज़ा है। अब चाहे तो अब जन्नत में चले जाओ चाहे तो जन्नत से रुक जाओ, तो अपने वालिद को राज़ी रखोगे जन्नत में चले जाओगे, वालदा को राज़ी रखोगे तो इंशाल्लाह जन्नत में दर्जात को पाओगे, जन्नत में दर्जात को पाओगे। आज हम समझते हैं कि वालदा की खिदमत कर ली बस जन्नत काफ़ी है, वालिद को बाज़ दफ़ा छोड़ देते हैं, बेइत्तिनाई करते हैं, उनके पुरसाने हाल उनका नहीं करते, हम उनकी देखभाल नहीं कर रहे होते इसलिए कि वालिद सख्त है डांटता है। तो भाई वालिद की डांट के अंदर भी शफ़क़त हुआ करती है, वालिद की मार के अंदर भी मोहब्बत हुआ करती है, और ये उसी वक्त पता चलता है जब ये नेमत चली जाती है, तो जब ये साया ख़त्म हो जाता है। इसलिए वालदेन की हम कदर करें और अपने बड़ों की खिदमत करके अल्लाह को हम राज़ी करें, और अल्लाह से हम जन्नत का मुतालबा अगर चाहते हैं तो अपने बड़ों की खिदमत के ज़रिए हम हासिल कर लें। ये बहुत ही आसान रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है। अगर बड़ों की